आज फेमिना वुमेन्स अवार्ड्स 2017 है. मैं बहुत खुश हूँ आज मैं शो को होस्ट कर रही हूँ. बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग टैलेंटेड ब्रिलियंट वुमेन ऑल इन वन रूम. और सब जानते हैं कि मैं हमेशा गर्ल पावर को बहुत सपोर्ट करती हूँ. इनफैक्ट आज मैंने मनीष मल्होत्रा का एक आउटफिट पहना है विच इज़ फ्रॉम हिज मिजवा कलेक्शन. वी ऑल नो दैट इवन दैट इज़ ऑल अबाउट एम्पावरिंग वुमेन क्राफ्ट्स वुमेन. तो इसीलिए बहुत अच्छा लग रहा है टू बी हियर. आई थिंक बहुत सारे अचीवर्स होंगे एंड इट्स रियली नाइस कि फेमिना ऐसा मौका देता है ऐसे अचीवर्स को रिकॉग्नाइज करने का फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, फ्रॉम वुमेन हु आर फाइटिंग फॉर द एनवायरनमेंट, फ्रॉम सोशल कॉजेज टू मूवीज टू म्यूजिक, यू नेम इट, दे आर रिकॉग्नाइजिंग वुमेन फ्रॉम ऑल डिफरेंट फील्ड्स. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू होस्ट इट. इट्स माई फर्स्ट टाइम होस्टिंग दिस इवेंट एंड आई एम श्योर इट विल बी फैंटास्टिक. मैं लाइव शोज़ काफ़ी ज़्यादा होस्ट करती हूँ और लाइव शोज़ में बहुत परफॉर्म करती हूँ, गाती हूँ. मुझे लाइव ऑडियंस हमेशा अच्छी लगती है. ऑफ कोर्स टेलीविजन इज़ आल्सो ग्रेट, बट लाइव ऑडियंस में जो डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है एंड इट्स अ वंडरफुल क्राउड टुनाइट. ये भी एक्चुअली टेलीवाइज्ड ही होगा, सो होपफुली यू ऑल एंजॉयड ऑन टीवी. एक्चुअली बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं फिल्मों के लिए एंड ऐसा नहीं है कि ऑफर्स नहीं आती. ऑफर्स आती हैं, लेकिन आई थिंक मेरा दिल ज़्यादा म्यूज़िक में है. मैं ज़्यादा म्यूज़िक वीडियोस कर रही हूँ एंड दिस इज़ नॉट द टाइम और प्लेस टू टॉक अबाउट इट, बट बिफोर द एंड ऑफ द ईयर लॉट्स मोर म्यूज़िक एंड मे बी एंड ऑफ द ईयर यू विल सी मी इन वन फिल्म. हाँ जी 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 मुझे इसलिए ऐसे अवार्ड्स बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं क्योंकि हमारे फिल्म अवार्ड्स बहुत सारे हैं और म्यूज़िक अवार्ड्स भी काफ़ी सारे हैं. हम हमेशा ग्लैमर को रिकॉग्नाइज करते हैं, ऐसे टैलेंट को बहुत सारा सराहते हैं, देखते हैं, लेकिन बहुत ऐसी भी फील्ड्स हैं जैसे कि स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, एनवायरनमेंट, लिटरेचर, जहाँ पर लेडीज़ कमाल का काम कर रही हैं एंड दे डिज़र्व टू बी रिकॉग्नाइज्ड. सो इट्स ग्रेट टू बी.